नरेश हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया, पत्नी के अवैध रिश्तों के चलते बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई थी, क्या कुछ पूरा मामला था? इसमें 1 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ था 346 के तहत थाना मधुबन में। तो जब वो मामला दर्ज हुआ तो उसमें बताया उन्होंने कि 2 दिन से हमारा जो लड़का है नरेश वो गायब है। जानकारी ये भी मिली है कि कॉल डिटेल्स भी जो है निकली है, उसमें भी ये निकला है कि जो मृतक नरेश है वो आरोपी जो है हत्या का आरोपी कुलदीप, उसके साथ रात रात भर फोन पर बात भी करती रहती थी। क्योंकि इनके घर में एक ही फोन था जो नरेश की पत्नी उसको ज़्यादा रखती थी। जब उनने CDR निकाल ली कि किस किस से इनकी बात होती है तो वो पता लगा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा बातें इन दोनों की होती थी आपस में। इतना दुखद समाचार है, करनाल के मंगलोरा गांव का नरेश जो 31 तारीख से लापता है, अमृतपुर गांव का रहने वाला नरेश, मंगलोरा चौकी में गांव पड़ता है, 31 तारीख से लापता है। 4 दोस्तों पर ही उसकी हत्या का आरोप है, 3 से 4 दोस्तों को हिरासत में भी लिया हुआ है। कुछ नहीं क्या करते, हम दिहाड़ी पे चले गए, पीछे से उठा के ले गए उसको, दिहाड़ी पे जा रही थी हम घर नहीं, पीछे से बुला के ले गए, पीछे से लेके बुला के उसके पैसे थे, उसके पैसे खाते पीते रहे, फोन बेचते रहे, उसको धक्के से ले गए घर से ले गए, यही 4 है यही लेके, 5 जड़े 1 मेरा था, 4 ये थे, टेम्पो करके ले गए, ये खाते पीते काछवा रोड पे यही ले गए, घर से ले गए, उसका फोन बिकवाया, टेम्पो करके उसमें मारकूट छेद के उसमें पाके ले गए। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल पुलिस ने अमृतपुर कला के नरेश की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है, 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, मृतका की पत्नी के अवैध संबंध थे, जो हत्या आरोपी है मुख्य आरोपी कुलदीप उसके साथ जो है, जो मृतक नरेश है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे 1 साल पहले, उसको भी उसके परिवार के लोगों को पता चल गया था। जानकारी ये मिली है कि ये सभी मिस्त्री थे, मिस्त्री का काम करते थे और जो ठेकेदार था वो कुलदीप था, कुलदीप का उनकी पत्नी के साथ जो है अवैध संबंध चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसको शराब पिलाई, जिसके बाद उसको गोगड़ीपुर के पास ले जाकर नहर में धकेल दिया गया। 30 तारीख का यह मामला, 1 तारीख को FIR दर्ज होती है। हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से पूरा परिवार, गांव के लोग SP ऑफिस पहुंचे थे, DSP ने आश्वासन दिया था, हालांकि आरोपियों को पहले ही हिरासत में ले लिया था लेकिन बॉडी नहीं मिल पा रही थी। 12 तारीख को अब मृतक नरेश की बॉडी मिली है और बॉडी के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया, पहचान हुई नरेश की और आरोपियों ने कबूला कि किस तरह से उनके अवैध संबंध जो है एक के उसकी पत्नी के साथ थे, जिसके चलते उन्होंने शराब पिलाकर उसके कपड़े उतरवाकर उसको नहर में धकेल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, 1 दिन का रिमांड लिया और 2 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। इस बारे में बातचीत करने के लिए CIE के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नरेश हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया, पत्नी के अवैध रिश्तों के चलते बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई थी, क्या कुछ पूरा मामला था? इसमें 1 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ था 346 के तहत थाना मधुबन में। तो जब वो मामला दर्ज हुआ तो उसमें बताया उन्होंने कि 2 दिन से हमारा जो लड़का है नरेश वो गायब है। और जब मुकदमे को हमने फॉलोअप किया तो वो पता लगा कि 30 तारीख को ये मदन के साथ अमृतपुर कला गांव वाले रास्ते में बैठ के दारू पी रहा था, थोड़ी देर में वहाँ पर संदीप आया अपनी मोटरसाइकिल लेके और इन तीनों ने फिर सलाह बनाई कि चलो यहाँ की बजाय हम करनाल चलते हैं और वहाँ दारू भी पिएंगे और इनका कोई जानकार का ढाबा है वहाँ पे मुर्गा खाएंगे। फिर ये तीनों यहाँ आए हैं तो हमने CCTV कैमरे जब चेक किए तो ये तीनों लड़के जो है नमस्ते चौक वाले कैमरों में आए और आगे भी 1-2 कैमरे में इनकी फ़ोटोज आई है कि तीनों एक मोटरसाइकिल पर यहाँ तक आए हैं। जब ये सारा मामला खुला तो तब परत दर परत इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने इस जो हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसमें इन्होंने जो कुलदीप है वो इनका ठेकेदार है, बाकी 4 लोग हैं वो सारे इसकी लेबर का काम करते हैं, ब्लॉक्स लगाने का काम करता है, नरेश भी इसके साथ काम करता था। जो कुलदीप है इसके जो संबंध हैं इसकी नरेश की पत्नी से हैं काफ़ी टाइम से, 1 साल पहले सबको पता भी लग गया था तो इसने कहा था तब, मतलब माफ़ी मांग ली और बाद में पैचअप हो गया। लेकिन इसने इन लोगों को कह रखा था कि जब भी मौका मिले, क्योंकि नरेश जो है वो दारू पीने का बहुत ज़्यादा आदी था, कि इसको ज़्यादा दारू पिला के लुड़काना है। और उस दिन इन्होंने इसको फ़ोन किया कि नरेश हमारे पास है और आज इसको ज़्यादा दारू पिला देंगे, तुम मौके पे आ जाना। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद रूटीन में ये बार बार बात करते रहे, जो हमने इसकी CDR ली है ये उसके बताते रहे कि अब हम यहाँ हैं और यहाँ दारू पी रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि नहर की तरफ आ जाओ, वो नहर की तरफ लेके गए उसको, 1 बोतल और ले ली, मतलब अल्टीमेटली उसको इतनी ज़्यादा दारू पिला दी कि वो बेहोश टाइप हो गया।
फिर आजाद और कुलदीप अपनी मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने नरेश को अपने साथ बिठा लिया बीच में और काफ़ी आगे सुनसान एरिया में नहर की पट्टी पर चले गए। आगे जाके इन्होंने उसको उतारा, ये दोनों भी मदन और जो संदीप थे ये भी उनके पीछे थे, चारों ने उसको पहले पटड़ी पे रखा, फिर पट उस पर नहर की जो थी बिल्कुल जो स्लैब सी होती है उसके ऊपर रखे और अल्टीमेटली उसको इसके कपड़े पहले उतारे और नहर में धक्का दे दिया ऐसे ही कि ताकि कपड़े यूँ रखे कि कल कोई पहचान ना पाए। और फिर 12 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिल गई थी, तो डेड बॉडी जब हमने फोरेंसिक डॉक्टर्स को दिखाई, उन्होंने बताया कि जिसकी डेड बॉडी है पोलियो से ग्रसित आदमी है, क्योंकि उसकी एक टांग पतली थी। इसके घर वालों को बुलाया, इसकी माँ ने बॉडी की पहचान की, फादर ने और बाकी रिश्तेदारों ने भी, और एक इसके हाथ पे मोली का जो धागा है वो बंधा हुआ था, मतलब कई सारी चीज़ें थी जो इन्होंने बॉडी को पहचान लिया। जानकारी ये भी मिली है कि कॉल डिटेल्स भी जो है निकली है, उसमें भी ये निकला है कि जो मृतक नरेश है वो आरोपी जो है हत्या का आरोपी कुलदीप, उसके साथ रात रात भर फोन पर बात भी करती रहती थी, क्योंकि इनके घर में एक ही फ़ोन था जो नरेश की पत्नी उसको ज़्यादा रखती थी। जब उन्होंने CDR निकाल ली कि किस किस से इनकी बात होती है, तो वो पता लगा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा बातें इन दोनों की होती थी आपस में। तो कोर्ट में पेश कर रिमांड, इनको कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन का रिमांड लिया। जो दोनों मोटरसाइकिलें थी वो दोनों रिकवर हमने कर लिए हैं, दोनों के फ़ोन हमने रिकवर कर लिए हैं, CCTV कैमरेज की फुटेज हमने पहले ही ले ली थी और भी जितनी एविडेंस थी वो हमने कलेक्ट कर। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने तमाम तरह के सबूत जुटाए। हालांकि इस तरह का कभी भी ब्लाइंड मर्डर होता है, लोग परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन पुलिस को समय चाहिए होता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में सबूत चलते हैं, पुख्ता सबूत चलते हैं, और जब पुख्ता सबूत पुलिस के पास आ गए तो जो हिरासत में लिए चारों लोग थे जिन पर हत्या का आरोप था, उनको कोर्ट में पेश किया गया, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ, उनको रिमांड पर लिया, उनके पास से रिकवरी भी हुई और उन्होंने जुर्म कबूल भी कर दिया कि किस तरह से जो मृतक नरेश है उसकी पत्नी के एक आरोपी कुलदीप के साथ अवैध रिश्ते। और आप देख सकते हैं कि अवैध रिश्तों के चलते ये पहला मामला नहीं है कि जब पति की हत्या कर दी गई हो, इससे पहले भी ऐसे बहुत से मामले निकलकर सामने आया कि पत्नी की अवैध रिश्तों के चलते पति की हत्या कर दी जाती है, ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। समाज में ये जो बुराई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस तरफ कहीं ना कहीं आज हमारे समाज को बहुत ज्यादा गहन चिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।